आईपीएल 2022 के मुकाबलों में दोस्तों एक से बढ़कर एक लंबे लंबे सिक्सेस देखे हैं, लेकिन टिम डेविड के छक्के ने तो सभी के होश उड़ाकर रख दिए। ऐसे क्रूशियल मोमेंट पर जब रन बनते हैं तो फैंस काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच धमाकेदार मुकाबले में दोस्तों टिम डेविड की पारी ने सभी को दंग करके रख दिया था। आप सभी को बताएं दोस्तों, जब मुंबई क्रूशियल मोमेंट पर फंसी हुई थी, रोहित शर्मा ईशान किशन की जोड़ी ने शुरुआत अच्छी दिलाई थी, लेकिन बैक टू बैक विकेट गिरे तो टीम फिर से मुसीबत में फंस गई। सूर्यकुमार यादव मिडिल ऑर्डर में थे नहीं, किरण पुलाड़ो खिलाया गया नहीं था, तिलक वर्मा रन बना नहीं पाए थे। इस मुकाबले में सारा दारोमदार आ गया टिम डेविड पर। टिम डेविड ने शुरुआत में तो तीन चौके लगाए थे और मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन जो एक रिक्वायर्ड रन रेट था वो तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। अब उस रिक्वायर्ड रन रेट को रोकने के लिए दोस्तों टिम डेविड ने पूरी कोशिश करी कि आगे तेजी से बढ़ा जाए, और शिकार बनाया उन्होंने इस सीजन के सबसे खतरनाक गेंदबाज हैदराबाद के टी नटराजन को। टी नटराजन के दोस्तों एक ही ओवर में चार छक्के जड़े, और उसमें से एक छक्का तो इतना लंबा था जिसको देखकर मैदान पर बैठा हर शख्स, कमेंटेटर, टीवी दर्शक सब के सब दंग रह गए थे। ये छक्का था 114 मीटर का, 114 मीटर का। इस सीजन का सबसे लंबा छक्का दोस्तों लियाम लिविंगस्टन के बल्ले से आया था, 117 मीटर का वो छक्का था जिसको देखकर तो सब दंगी थे। और ड्वेल ब्रेविस ने 112 मीटर का छक्का मारा, लेकिन टिम डेविड ये एक ऐसा खिलाड़ी है दोस्तों जो सिंगापुर का खिलाड़ी है, मतलब कोई बड़ी टीम का नहीं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का नहीं, सिंगापुर से आया है, और इस तरीके से आईपीएल में आकर अपनी धूम मचा दी। महज 18 गेंदों में 46 रन बना दिए थे, टीम को खुद ही जीत की ओर ले गए थे। 12 गेंदों में 19 रन की दरकार थी टीम को, आखिरी दो ओवर में बन सकते थे, T20 मुकाबला था, वहाँ पर 5-6 विकेट ही गिरे थे, लेकिन कोई फिनिशर था ही नहीं। बात करें टिम डेविड की तो टिम डेविड अपनी गलती की वजह से ही रन आउट हुए थे। हुआ ये दोस्तों, जब ये 114 मीटर का लंबा छक्का मारा तो सब तो दंग रह गए थे, और ये गेंद हवाई यात्रा पर थी जो दर्शक दीर्घा में गई बहुत दूर। 18वें ओवर में ये रन आउट आया था, लेकिन उससे पहले आपको बता दें दोस्तों, जो 18वें ओवर की आखिरी गेंद थी वहाँ पर टिम डेविड एक सिंगल चुराना चाहते ताकि बचे हुए दोनों ओवर, यानी कि जो आखिरी दो ओवर थे उसमें अपने पास क्रीज रखें, अपने पास स्ट्राइक रखते तो वहाँ से इनके पास मैच जल्दी खत्म करने का चांस होता। दूसरे छोर पर जो बल्लेबाज था वो एक्सपीरियंस था नहीं, तो टिम डेविड ने रन भागने के चक्कर में टी नटराजन ने बड़ी सूझबूझ के साथ इनको रन आउट कर दिया था। इस तरीके से टी नटराजन की इस ओवर में बहुत कुछ हुआ, एक ही ओवर में मुंबई की जीत दिखी और एक ही ओवर में मुंबई की हार भी हो गई। फिर आगे दोस्तों लास्ट में रमनदीप सिंह ने कुछ लंबे शॉट्स मारे, लेकिन 3 रन से फिर भी मुंबई इंडियंस की टीम ये मुकाबला हार गई। मुकाबले के हीरो रहे राहुल त्रिपाठी, जिन्होंने मुकाबले में 44 गेंदों में 76 रन की पारी, 9 चौके, 3 छक्के की मदद से खेली। टिम डेविड ने दोस्तों अपनी पारी के दौरान 18 गेंदों में 46 रन, 3 चौके, 4 छक्के, 255 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी और रन आउट हुए थे टी नटराजन के। टी नटराजन के 18वें ओवर में 4 छक्के जड़े थे, पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद वाइड, फिर जब दूसरी गेंद दोबारा डाली उस पर कोई रन नहीं आया, तीसरी गेंद पर छक्का, चौथी गेंद पर छक्का, पाँचवीं गेंद पर छक्का और छठी गेंद पर रनआउट हो गए थे। इस तरीके से दोस्तों टिम डेविड की इस बल्लेबाजी ने पूरी तरीके से मुकाबले में सभी के होश उड़ा रखे थे, यहां तक कि सारा तेंदुलकर जो मैदान में बैठी थी वो भी ये सब रनआउट देखकर चीख पड़ी थी, क्योंकि इतना ज्यादा ये क्रूशियल मैच हो चुका था। हैदराबाद के लिए जीत बहुत जरूरी थी, लेकिन इस मुकाबले में जीत नहीं पाई। आपको बता दें दोस्तों, टिम डेविड ने सीजन बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, इनकी तारीफ हर जगह हो रही, 8 करोड़ से प्लस की रकम की कीमत पर इन्हें खरीदा गया, लेकिन इस सीजन 13 जो 14 मुकाबले खेले गए मुंबई के, उसमें सिर्फ 8 मैच खेले और 153 रन बनाए, इस बीच इनका एवरेज 30 का रहा है और स्ट्राइक रेट 196 का। ये 114 मीटर का छक्का आईपीएल के इतिहास में इनके नाम दर्ज हो चुका है। 117 मीटर का इस सीजन का सबसे लंबा छक्का, अभी एक मैच और बचा है और टिम डेविड को अभी और मौका मिलेगा खेलने का। तो देखते हैं किस तरीके से आने वाले समय में अपना ये जलवा दिखाते हैं और किस तरीके से मुंबई के लिए रन बनाते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।